जापान यानी भारत का अभिन्न मित्र। इस देश के बारे में सोचते होंगे तो हमारे जहन में सबसे पहले ऊंची ऊंची बिल्डिंग, हाई फाई टेक्नोलॉजी का ख्याल आता है। बुलेट ट्रेन से लेकर स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट तक जापान में सब कुछ है। चकाचौंध से भरे इस देश की एक और सच्चाई है, जापान के लोगों का अकेलापन। सबसे ज्यादा काम करने वाले जापानीज अब अकेले हैं। नमस्ते, मैं अंशुल हूं, आप हैं मंच पर। अकेलापन एक ऐसी समस्या है जिससे किसी भी देश के लोग पूरी तरह से मुक्त नहीं है, चाहे वो देश विकसित हो या विकासशील। दुनिया का बेहद विकसित देश जापान भी अकेलेपन से कुछ ज्यादा ही दिक्कत में है। बढ़ते सुसाइड के मामलों को लेकर पिछले दिनों यहाँ की सरकार ने एक अहम कदम उठाया है और इस काम के लिए एक मंत्री की नियुक्ति कर दी है। ये मंत्री लोगों के अकेलेपन, डिप्रेशन, तनाव की दिक्कतों को समझकर इन्हें दूर करने की कोशिश करेगा। न्यूज एजेंसी क्योडो की जानकारी के मुताबिक 2020 से लेकर 2022 के बीच कोरोना महामारी के कारण जापान में 8000 से ज्यादा आत्महत्या के केस सामने आए। रिसर्च में पाया गया कि सुसाइड करने वाले सबसे अधिक वे लोग थे जिनकी उम्र 20 साल की है, उनमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। रिसर्च के मुताबिक इस महामारी के कारण 20 साल की उम्र के 1837 लोगों ने आत्महत्याएं की, जबकि उनमें 1092 महिलाएं थीं। 19 साल और उससे कम उम्र की 377 महिलाओं में से 282 ने महामारी के चलते आत्महत्या करने का फैसला किया था। वहीं राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में जापान में 21,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। साल 2019 की तुलना में सुसाइड रेट में 3.7% की दर से इजाफा हुआ। वहीं साल 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 1,00,000 लोगों में औसतन 10 लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन जापान में हर 1,00,000 लोगों में से 18 से अधिक लोग अपनी जान ले लेते हैं। यानी जापान में आत्महत्या करने वालों की संख्या पूरी दुनिया के औसतन से लगभग 2 गुना है। बढ़ते सुसाइड के मामलों को देखते हुए जापान सरकार एक्शन में आई और ब्रिटेन की तरह अपनी कैबिनेट में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बना दिया। जापान के अलावा कनाडा और यूके में भी इस तरह का मंत्रालय है। जापान में बढ़ते हुए सुसाइड के मामलों का कारण एक और है, जो है कि यहाँ की वर्क टाइमिंग। जापान में काम करने वाले घंटे भी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को अपने दोस्तों के साथ समय बिताने या शौक करने का मौका कम मिलता है। जबकि जापानी श्रम कानून ये तय करते हैं कि नौकरी पेशा व्यक्तियों को दिन में अधिकतम 8 घंटे या सप्ताह में 40 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। 2016 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि 25% से अधिक जापानी कंपनियां 80 घंटे से अधिक काम कराती हैं और अतिरिक्त घंटों के लिए अक्सर भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसी 10,000 कंपनियों पर जापान सरकार ने कार्रवाई की है। वहीं जापानी के सुदूर इलाकों में तो हालात बहुत ही खराब है। यहाँ कई गाँवों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं और वो भी तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसा ही एक गाँव है नगोरो। इस गांव में लोगों की संख्या अब सिर्फ 27 ही रह गई है, लेकिन इस गांव में कोई आकर देखेगा तो उसे खाली घर नहीं दिखेंगे, यहां दिखेंगी बहुत सारी गुड़ियां। जापान के इस पहाड़ी गांव में पहले 300 लोग रहते थे, लेकिन अब उसकी जगह कई सारी गुड़ियों ने ले ली है। सड़क से लेकर क्लासरूम, खेतों तक डॉल को देखा जा सकता है। इन डॉल्स को सुकीमी अयानो ने बनाया है, जो इसी गांव में रहती हैं। 27 लोगों के इस गांव में 300 से ज्यादा गुड़ियां हैं। यहां 2012 में बंद हो चुके स्कूल में भी इस तरह एक्सपेरिमेंट किया गया। इन स्कूलों में गुड्डे और गुड़ियां बकायदा बैठकर पढ़ते हैं। इन गुड़ियों का गांव बनाने में 16 साल लग गए। सुकीमी इन गुड़ियों को बनाने के लिए लकड़ी, अखबार, इलास्टिक कपड़ों का इस्तेमाल करती है। जापान के पूर्व पीएम सिंजो आबे ने जापान के ऐसे इलाकों को सुधारने के लिए
कई बिलियन येन खर्च करने की प्लानिंग भी की थी। जापान रिसर्च इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री ताकुमी फिजीनामी का कहना है कि जापान की गिरती जनसंख्या को सुधारने के लिए लोगों को ऐसे इलाकों में जाकर रहना होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसे में ये जरूरी है कि ऐसे इलाकों में जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। एक सरकारी रिपोर्ट कहती है कि जापान की 127 मिलियन आबादी का 27.7% यानी हर चार में से एक जापानी 65 साल या उससे ऊपर की उम्र का है, और ये आंकड़ा 2050 तक 37.7% तक बढ़ जाएगा। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार पुनीत ने। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।